हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मंडे न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नई अपकमिंग मूवी की रिलीजिंग डेट के अपडेट के बारे में। आप सभी जानते हो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फेज 4 लॉन्च हो चुका है। उसकी जो रिलीजिंग डेट थी, अब वो पहले जैसी नहीं रही है। कोरोना वायरस के चलते मैं मूवी की रिलीजिंग डेट को चेंज कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है, जब टाइम पे शूट नहीं हो पाएगा तो रिलीजिंग डेट जो तय हुई है उन पर वो मूवी थिएटर में कैसे लगेंगी। तो गाइस, नॉर्मल सी बात है कि जब शूट ही नहीं हो पा रहा तो रिलीज डेट पर मूवी रिलीज कैसे होगी। तो इसलिए जब तक कोरोना वायरस की जो स्थिति चल रही है 2020 में, जब तक सारे जीरो केस नहीं हो जाते तब तक टाइम पे शूट नहीं हो पाएगा, और टाइम पे शूट नहीं होगा तो मूवी टाइम पे रिलीज नहीं हो पाएंगी। तो गाइस, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने काफ़ी बड़ा फैसला करा और मूवी की रिलीजिंग डेट को चेंज करा, और देन जो टीवी सीरीज है उनको भी चेंज करा। तो काफ़ी सारा नया शेड्यूल आ चुका है फेज 4 का, और लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला कि भाई इसके ऊपर एक वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा कि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कि कौन सी चीज़ कब आ रही है, किसके बाद आ रही है, कौन सी चीज़ पहले रिलीज़ हो रही है, उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को पूरा देखिएगा, और देन गाइस, उससे पहले एक छोटा सा नोट। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कोरोना वायरस के चलते में आपको कोई भी अपडेट पता नहीं चल रहा है, तो आप मेरे सोशल मीडिया लिंक्स को फॉलो करिए, जिससे कि आपको सारे अपडेट पता चल जाए। और देन उससे पहले अगर कोई भी अपडेट अच्छा होगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बना दूंगा, जैसे कि आज का ये वाला वीडियो। और देन इस वीडियो में मैं जो चार्ट यूज़ करूंगा वो मैंने खुद बनाया, और आपको ये फुल HD में मेरे ट्विटर अकाउंट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं 2020 में। तो गाइस, 2020 में हमें सबसे पहले जो मूवी देखने को मिल रही थी वो थी ब्लैक विडो। अब ये मूवी रिलीज हो रही है 6 नवंबर को मार्वल के शेड्यूल के हिसाब से, पर मैंने अपने चार्ट में इसे पहले नंबर पे इसलिए रखा कि लोगों को जो कन्फ्यूजन है कि ब्लैक विडो पहले देखने को मिल रही है, बट ऐसा नहीं है गाइस। आपको ये अब 6 नवंबर को देखने को मिलेगी, पर 2020 में आपको सबसे पहले जो मार्वल का कंटेंट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा डिज्नी प्लस ऐप पर टीवी सीरीज में, जो कि होगी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, जो कि अगस्त के महीने में रिलीज होगी। अब फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में आपको टोटल 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जो कि करीब 40 से 1 घंटे के होंगे, यानी कि 6 एपिसोड करीब 6 घंटे के हो गए अगर 1 घंटे के हिसाब से लगाया जाए। तो गाइस, मेरे हिसाब से फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर को डिज्नी प्लस पर अगस्त में रिलीज नहीं करना चाहिए था, इनको रिलीज करना चाहिए था अभी मई के महीने में, क्योंकि इतना टाइम तो होना चाहिए, क्योंकि फैंस अब काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं ब्लैक विडो को लेके, क्योंकि अब वो हमें 6 नवंबर को देखने को मिलेगी। तो फैंस को खुश रखने के लिए शायद ये मई में इसे रिलीज कर सकते थे, बट मार्वल ने ऐसा कोई फैसला नहीं करा, उन्होंने इसे अगस्त में रिलीज करने का फैसला करा है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार करेंगे, चीज़ अच्छी देखने को मिलेगी, पर 6 घंटे जो टाइम पास होंगे हमारे डिज्नी प्लस पर, क्योंकि हमें कोई भी मूवी थिएटर में देखने को नहीं मिलेगी साल मार्वल की, जो कि देखने को मिलेगी नवंबर को, तो मैं खुश हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं दिसंबर के महीने में। अब अगस्त के बाद दिसंबर के महीने में फिर हमें 6 घंटे का टाइम पास होगा बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि वांडा विजन देखने को मिलेगी दिसंबर को। इसमें भी टोटल 6 एपिसोड है और ये भी करीब 6 घंटे के होंगे, जो कि मार्वल की तरह से इनसाइडर रिपोर्ट मिली है, जो कि आपको डिज्नी प्लस पे डिज्नी ऐप पे देखने को मिलेगी। फिर आ जाते हैं नवंबर के महीने में, जो कि आपको ब्लैक विडो मैंने आपको बताई दिया कि 6 नवंबर को आपको ब्लैक विडो देखने को मिलेगी। अब आते हैं सीधा 2021 में। जनवरी में कोई मूवी नहीं, फरवरी में हमें देखने को मिलेगी मार्वल की द इंटरनल्स। ये पुरानी मूवी होगी, पुराना टाइम पीरियड होगा, नए कैरेक्टर होंगे, कैसी मूवी होगी ऐसा कुछ नहीं पता, और अभी तक ट्रेलर रिलीज होने के कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल इनसाइडर रिपोर्ट है कि अगस्त में आपको इसका ट्रेलर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अगस्त में, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। मार्वल अभी इतनी जल्दी शायद इसका ट्रेलर लॉन्च करेगा भी नहीं, क्योंकि रिलीजिंग डेट भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। फिर उसके बाद आ जाते हैं डिज्नी पे प्लस पर, जो कि आपको अराउंड, अगर इंटरनल्स फरवरी में रिलीज हो रही है तो मार्च या अप्रैल के बीच में होगी लोकी। जी हाँ, करीब इसके भी 6 एपिसोड रिलीज होंगे अब तक की जो इनसाइडर रिपोर्ट आई है, और आपको ये मार्च या आपका अच्छी से टाइम पास होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा नीचे, जो कि आपको मई 7 को देखने को मिलेगी 2021 को, शांग-ची लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स। तो गाइस, इसकी भी रिलीजिंग डेट को चेंज कर दिया गया है, पर मूवी हमें ये देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद थोड़ा आगे जाके चलते हैं, सोनी कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, तो मैंने पुरानी वाली रिलीजिंग डेट को लिया है स्पाइडरमैन की 3 की 16 जुलाई 2021 को। तो शायद ये इसी डेट को रिलीज़ हो, क्योंकि अब तक चेंज करना होता तो कब का चेंज कर देते, क्योंकि वेनम 2 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है और मॉर्बियस आगे अगले साल में खींच दी है उन्होंने। और अब बात करते हैं आगे डिज्नी प्लस पर व्हाट इफ, तो ये भी आपको जुलाई के बाद देखने को मिलेगी। जी हाँ, इसलिए मैं इसे स्टेप बाय स्टेप लगाया है चार्ट पर। फिर उसके बाद आपको डिज्नी प्लस पे देखने को मिलेगी हॉकाई, ठीक है, ये आपको व्हाट इफ के देखने को बाद मिलेगी। फिर इस साल की लास्ट मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज 2, जो कि नवंबर 5 को रिलीज होगी, और इसमें हमें स्कारलेट विच देखने को मिलेगी, जो कि वांडा विजन से सीधे डायरेक्ट कनेक्टेड होगी। तो गाइस, इसकी मैं एक टाइमलाइन बनाऊंगा कि कौन सी मूवी किससे कनेक्टेड होगी। तो देखते हैं
क्योंकि हमें जो 2020 में वांडा विजन देखी होगी वो उससे डायरेक्ट कनेक्टेड होगी, तो गाइस देखिएगा ज़रूर। फिर सीधे आ जाते हैं 2022 में, जो कि आपको देखने को मिलेगी फरवरी 18 को थॉर 4 यानी कि लव एंड थंडर। तो ये भी मूवी काफ़ी इनक्रेडिबल कमाल की होने वाली है गाइस। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगी ब्लैक पैंथर 2 6 मई 2022 को। इसकी रिलीजिंग डेट को चेंज नहीं करा गया है क्योंकि मूवी बहुत बात लेट रिलीज हो रही थी, तो अभी तो शूटिंग और प्रोडक्शन का भी काम नहीं बनता है। अब इस शेड्यूल में एक नई मूवी को इंक्लूडिंग करा गया है जिसका नाम है कैप्टन मार्वल 2। जुलाई 8 को ये मूवी रिलीज होगी। जी हाँ, एकदम ऑफिशियली कन्फर्म है। और इस चार्ट को चेंज करने का सबसे बड़ा खुशी की बात यह है कि आपको एक नई मूवी के बारे में कन्फर्म हो जाता है। अब उन मूवीज़ के बारे में टीवी सीरीज़ के बात करते हैं जिनकी रिलीजिंग डेट कन्फर्म नहीं है पर मार्वल ऑफिशियली काम कर रहा है। तो सबसे पहले टीवी में आ जाते हैं, यानी कि ईयर डेट टाइम कुछ भी कन्फर्म नहीं है, कब रिलीज़ होगी, कौन सी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी, थिएटर या कुछ भी। तो सबसे पहले आ रही है एंटमैन 3। तो एंटमैन 3 के राइटर मिल चुके हैं, रिकी मॉन्टी के डायरेक्टर काम कर रहे हैं, ठीक है। और पेटन रीड भी इसके ऊपर फुली प्रोडक्शन पे काम चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जो कि जेम्स गन ने खुद ही कंफर्म करा है, और उनका कहना है कि सुसाइड स्क्वाड के बाद वो इसी मूवी के ऊपर काम करेंगे। फिर उसके बाद ब्लेड, जो कि केविन फेगी ने कंफर्म करा था सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। फिर मून नाइट, फिर शी हल्क, फिर मिस मार्वल। तो गाइस ये है मार्वल फेज 4 का फुली चार्ट, जिसमें कि हमें टोटल 19 मूवी इंक्लूडिंग टीवी सीरीज भी है इसमें। तो गाइस 19 कंटेंट देखने को मिलेंगे मार्वल फेज 4 में, जिसमें कि कुछ मूवी तो अभी तक कंफर्म भी नहीं हुई है, जैसा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन कौन सी अभी और रहेंगी, जैसे एक्समैन, डेडपूल है, एवेंजर्स 5 है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो गाइस अगर आपको ये फुल चार्ट डाउनलोड करना है तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, आपको ये फुली HD में मिल जाएगा। और देन आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मार्वल फेज 4 से रिलेटेड। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक मैं शेयर करो। जो मत इस वीडियो को नए देखो या तो उस पर थॉर के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।